उन्होंने साहब वक्त वाले आए, उन्होंने तुमने भाई वोटर्स लिस्ट दो गए, एक महीने में इलेक्शन करते हैं, दे उनको चार्ज क्या है, वो ऐसा क्या पकड़ लेके बैठे तुम्हें, क्या डर है, क्या डर है तुमने, तुम्हारा अकाउंट ऑडिट करते हैं करके डर है, ऑडिट करना ही पड़ता। उन्होंने साहब बद्दुआ लगती है तुमने, बद्दुआ लगती है, वो बच्चे तरस रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मुतवली व जमात मेंबर्स, अंजुमन इस्लाम, मेरे भाई और दोस्तों, जहाँ तक जो बच्चे हमारे ये ओल्ड ओबड़े दंगे केस के अंदर 8 महीने से ही जेल में हैं, अभी तक रिहा नहीं हुए, इसके बारे में मैं एक जो चीज़ अवाम को मालूम नहीं है जो मैं बोलना चाहता हूँ। स्पेशल कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ हुगली मैजिस्ट्रेट कोर्ट में एक केस था, जब ये टेररिस्ट कानून के तहत उन्होंने सेक्शन ऐड करे के बाद ये स्पेशल कोर्ट बेंगलुरु को केस ट्रांसफ़र हुआ, चार्जशीट फाइल कर को 2-3 महीने हुआ, है जी, 2 महीने हुआ। अब रिसेंटली इसके बारे में मैं ये स्पेशल कोर्ट में क्या चला, हाई कोर्ट में क्या चला, इसके बारे में हमारे वकील दोस्तों के साथ मैं बातचीत कर मुझे मालूम हुआ, चार्जशीट फाइल करने के बाद आज तक बेल पिटीशन फाइल नहीं करें, स्पेशल कोर्ट में जामीन अर्जी नहीं दी, जामीन अर्जी ऐसे माहौल के क्रिएट कर रहे हैं कि आज है केस 4-12 को है, 18-11 को है, 4-12 को है, सब बोलते थे। जब आप जामीन अर्जी या बेल पिटीशन इज नहीं फाइल करें, क्वेश्चन वो रिहाई का कहाँ आता है, आप क्यों नहीं करें, मैं सोनू साहब से पूछना चाहता हूँ, क्यों बेल पिटीशन फाइल नहीं करें और क्यों उन लोगों को वो अंदर है सब बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हमें बोले हैं उनको बेल पिटीशन फाइल करोगा तो उन्होंने हमारे सुनने के तैयार नहीं है। मैं 1-2-3 टाइम उन्होंने मुझे कोर्ट कैंपस में मिला था, मैं बात करा सियासत न को करूँ बच्चों के जो जेल में है, मैं भी तुमने क्या है मैं उसको अकेला साथ देने तैयार हैं, हमें भी तुमने हेल्प करते हैं या क्या भी करेंगे, मैं वो बच्चों को रिहाई करें बस कोशिश करेंगे, तो उन्होंने उसे रिस्पॉन्स नहीं दे और मेरे पास आए भी नहीं और हकीकत बोलने तैयार भी नहीं है। स्पेशल कोर्ट में बेल पिटीशन फाइल करको सीनियर मोस्ट क्रिमिनल लॉयर को अपॉइंट करको बेल कराने की कोशिश की, तो आज तक के 2 महीने हो गए तो ना उन्होंने बेल पिटीशन फाइल करे ना कोशिश कर रहे बेल के लिए, अगर वह रिजेक्ट हुआ तो भी अगेन हाई कोर्ट को जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कम से कम उधर तो बेल होता ही होता है। जब अभी बेल पिटीशन इज नहीं फाइल करें तो कहाँ कौन बेल देता है, कौन जामीन देता है, गुमराह न को करो, बहुत तकलीफ में है हमारे बच्चे जो जेल में है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा आज तुम्हारे सामने आए। उसके अंदर टोटल 60 बच्चे आज 8 महीने से जेल में है, 58। तो उसके अंदर मुझे मालूम पड़ा कि 5 जने हज को जाने वाले थे और उनके माँ बाप बहुत तकलीफ में हैं, एकली के तो माँ एकला बेटा, उन्हें भी इंतकाल हुए, वो बच्चे को उनके तकलीफ समझने वाला कौन नहीं है, इसलिए मेरी अपील ये है कि उनको कम से कम एक जॉइंट मीटिंग बुलाओ या करो, हकीकत क्या है इसके बारे में एकर को एफर्ट करना छोड़ो, जामीन के लिए ट्राई करना, वो आजकल वो कोशिश सीरियसली नहीं हो रही। अब ये लोग हमारे से कांटेक्ट कर रहे हैं, ये पीछे होते हैं, हमने क्या इसके बारे में बेल हुआ तो क्रेडिट तुम्हें चलो, मतलब हमने एक मकसद एक ही छह बच्चे हमारे 12 में, बहरहाल 8 महीने बच्चे जो जेल में हैं सर,
बखूबी आप इस वक्त जो आए हैं खुलासा करने के लिए, पहले भी आप खुलासा कर सकते थे ना इस खुला? देखो मैं मेरा फर्ज मैं निभाया हूँ, मैं उनको बोला रिक्वेस्ट भी करे आओ हमें बैठेंगे, चलो मजे बुलाओ, मैं यहाँ तो कुछ ना कुछ करेंगे। क्रिमिनल सीनियर काउंसिल को देखो बेल पटिशन को बेल को तो ट्राई करे रहता, बेल होता था इंशाल्लाह। तो ये सोनू साहब तुम्हें एक स्टेटमेंट दे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये टीवी चैनल्स के, जब तक बच्चे रिहाई नहीं होते तब तक मैं चार्ज नहीं देता, अंजुमन का इलेक्शन नहीं करता, ऐसा स्टेटमेंट दे। तुम्हारा मतलब मकसद क्या है इसके पीछे, इस स्टेटमेंट के पीछे? वो बच्चे ऐसा अंदर रहना, मैं तब तक का कुच्चे संभालतू कर पर गद्दी में रहता हूँ कर पर अगर सोच रहे तो बहुत गलत है। आज भी सोनू साहब मैं अपील करता हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मैं क्या नहीं, वो बच्चे के मामले में मैं आया हूँ नेचुरली। वो बच्चों को जब बेल पिटिशन इज नहीं फाइल हुआ तो आगे जाने वाला, वो आगे गया तो इन कुर्सी इनके घट रहने वाले, ये समझना पड़ता है तुम्हारे स्टेटमेंट से। सोनू साहब तुम्हारा स्टेटमेंट जो है उसका मीनिंग क्या होता है? ये हकीकत में बेल पिटिशन फाइल नहीं करें आज तक तो अवाम को नहीं बोले, किसी भी नहीं बोले। मुझे इंक्वायरी करने के बाद मुझे 2-3 दिन पहले मालूम पड़ा कि यह नहीं है। तो यहाँ पहले FIR जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करे थे 307 अटेम्प्ट मर्डर आते, उसके साथ दूसरे दंगे के वो सेक्शन थे, ऑलमोस्ट बेल होता था। उसके बाद जब वो दंगे वैसे दो दिन के बाद या उनके होम मिनिस्टर साहब आए वो आए तो उसके अंदर एडिशनल टेररिस्ट कानून के तहत एक सेक्शन ऐड करे उन्होंने। टेररिस्ट एक्ट के नीचे एक सेक्शन रिमांड कर इसके अंदर रिमांड आदि के अंदर ऐड करे कानून एक्ट के नीचे, इमीडिएटली एक मंथ में स्टेट गवर्नमेंट को परमिशन पूछना, स्टेट गवर्नमेंट इन टर्न सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करना। तो ये इन्होंने जो पुलिस जो टेररिस्ट का सेक्शन जो डाले उसके बाद उन्होंने एक महीने के अंदर कभी भी परमिशन भी नहीं पूछे थे। ये टेक्निकल लीगल पॉइंट है, उसके लिए आप बोल रहे हैं कि लीगल पॉइंट है, उसके लिए तुम्हें रिट पिटिशन फाइल करें। तुम्हारा रिट पिटिशन को भी ये बच्चा के बेल पिटिशन को कुछ कनेक्शन नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। तुम्हें बेल पिटिशन में भी रेज कर सकते हैं, तो बेल पिटिशन फाइल करें तो तुम्हारा रिट पिटिशन डिसमिस होता है। दिस इज नॉट रॉन्ग, ये गलत है, ये तो तुम्हें करना था आज तक नहीं करे। कम से कम आप तो सुधरो, कम से कम जामीन अर्जी दो, सीनियर काउंसिल को अपॉइंट करो क्रिमिनल, दैट इज वन पॉइंट सो फॉर ये बच्चा के। मैं कल स्टेट वक्फ बोर्ड का रियाज अहमद साहब का जो स्टेटमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है स्टेटमेंट में देखा, उन्होंने स्टेट वक्फ बोर्ड के मॉडल बॉयलर्स के तहत इलेक्शन करना कर दूंगा बोल। अब ऑलरेडी अप्रूव्ड एक बायलॉज है हमारा, 25-30 बरस पहले च अप्रूव हुआ, तुम्हें अप्रूव करे सर स्टेट वक्फ बोर्ड वाले। वो जो पुराना बायलॉज कैंसल करके जो मेंबरशिप है 11,000 और जो मेंबरशिप है उनका कैंसिल करके न्यू मॉडल बायलॉज के तहत इलेक्शन करना, मैं भी इसके खिलाफ हूँ, मैं भी इसके खिलाफ हूँ। मैं स्टेट वक्फ बोर्ड एक क्वेश्चन करता हूँ, 20 बरस हुआ तुम्हारा वायरल मॉडल बायलॉज तुम्हें लागू, आज तक तुम्हें ऐसे वो मॉडल बायलॉज अप्लाई करो करके हमारे अंजुमन को पूछे न क्या नहीं? चलो धारवाड़ के अंजुमन का बायलॉज भी अलग है, वो भी धारवाड़ अंजुमन का परसों एक 6 बरस पहले इलेक्शन हुआ, तो कौन से बायलॉज से इलेक्शन करे? जो बायलॉज उनका पहले से है वो बायलॉज के तहत ही करे। तब धारवाड़ अंजुमन को तो बोलना था मॉडल बायलॉज के तहत तुम्हें करो घर को। मैं अंजुमन इस्लाम के रीढ़ की हड्डी बैकबोन
जमात और जमात के मेंबर्स हैं, उनका हक कैंसिल करे मॉडल बायलॉज में, मैं टोटली इसे अपोज हूँ। हमारे 11,000 11,500 मेंबर हैं जो पेट्रॉन हैं, जो लाइफ मेंबर हैं, उनका मेंबरशिप कैंसलेशन आप करते रहे तो आप गलत हैं। तुम्हें अगर ये मॉडल बायलॉज ला को तुम्हें सब करना चाहते हैं तो ये सब कोर्ट लिटिगेशन, कोर्ट कट्टे चलने वाला, ये परसों चलने वाला। तुम्हें मैं अपील है स्टेट वर्क बोर्ड से, तुम्हारे माइंड मॉडल बायलॉज इम्प्लीमेंट करके कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट न करो। जो हमारा बायलॉज है 25-30 बरस से बायलॉज है, वो बायलॉज के तहत इलेक्शन करो, और जमात के और लाइफ मेंबर्स के उनके मेंबरशिप कैंसिल करते हैं, ये गलत चीज़ है। तुम्हारे मॉडल बायलॉज में मेंबरशिप फी 100 है, अगर ये 100 रुपीज़ जो मेंबरशिप है तो अब 50,000 मेंबर बनते हैं, तो तब क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन फीस भी रखा गया है ना, सब 1200 रुपये के हिसाब से भी देना पड़ेगा। हाँ देते हैं 1250। ऐसा है धारवाड़ कंज्यूमर का टेम्प्रेरी मेंबरशिप 100 रुपये, उन्हें खाली एक इलेक्शन में वोटिंग डाला तो 100 रुपये उसे, तो ये 50-60 हज़ार मेंबर होने वाले, ये सब अपना कॉम्प्लिकेशन में क्यों डाल रहे हैं हमारे अंजुमन को? मैं अपील स्टेट वर्क बोर्ड से करता हूँ कि ये सब चीज़ करने न खोजो। बनना चाहते हैं तो उनका एनरोलमेंट करो, मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है, फ्रेश मेंबरशिप पे एनरोल करो। जो बच्चे जब 18 बरस से कम थे, आज उन्होंने 18-20-25 बरस से उम्र हुई उनको, उनका भी हक है, उनके एडिशनल मेंबर करो, एडिशनल उनको मेंबर्स करें, तकरार नहीं है। 11,000 जो 74 वोट है वो रख के एडिशनल करो, एडिशनल करो जी। तो वक्फ बोर्ड है आज हमने एक एक लीगल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करके, अब ये हाई सो अंजुमन बॉडी है इम्प्लाइडली, उनको ऐसे कोर्ट को जाते हैं, उन्होंने स्टे लेते हैं, उन्होंने बरस तक हम बढ़ते रहते हैं, हमारे अंजुमन की हालत क्या है? सोनूर साहब, एक 7-8 महीने से जो दंगे केस चले हैं, सब लीगल एक्सपेंसेस जो वकील को दिए हैं, वो खर्चा टोटल कितने लाख होगा? अब हम कहा है पूछने का, इतना खर्च गए हैं। देखो हर तबके का, हर ग्रुप का इंसान मेरे साथ अच्छा कांटेक्ट में है, हमें कभी दुश्मनी किसके साथ नहीं करते, प्यार मोहब्बत से सिलसिला है। ये अंजुमन के प्रेजेंट ऑफिस बेरस जरिए मेरे पास भी आए थे, सब आए थे, उन्होंने बोले सो मुझे कि 15 दिन पहले बोले टोटल लीगल एक्सपेंसेस खर्च हमारे अंजुमन को पड़ा 31 लाख पड़ा, अगर बच्चों के लिए 31 लाख बच्चों वहाँ, ये बाद में ये इलेक्शन नहीं करना, इलेक्शन वो चार्ज हैंडओवर करना नहीं, गए सुप्रीम कोर्ट को गए वहाँ, हाँ वहाँ तुम्हें अपनी कुर्सी बचाने के अवसर है जो सुप्रीम कोर्ट सीनियर काउंसिल वकील को दे, उसके मेरे ख्याल से फीस 5 लाख से कम नहीं है, तो वो खर्चा कहाँ से करें, अंजुमन से करें? तो माल का पैसा ये सब ऐसा 30-31 लाख, वो बोले से लोग देखे तो 30-31 लाख रुपीज जो खर्च करें, ये लीगल लिटिगेशन को ये सुप्रीम कोर्ट खर्च करें, वो जो 4-5 लाख रुपया दंगे के चुपरंद क्रिमिनल एक्सपर्ट वकील को अपॉइंट करके करते रहे तो क्या जाता था? तुम्हारी गद्दी बचाने के लिए, तुम्हारी कुर्सी बचाने के लिए, हाँ आज ये सब क्या 30-31 लाख या 35 लाख जो बोल रहे हैं वो खर्च कर वेस्ट है, वो सब हमारे अंजुमन का पैसा हो। अंजुमन मजे देखो, हर मुसलमान का हक है, हुबली के हर मुसलमान का हक है, हर मुसलमान चाहता है कि अंजुमन का एक्सपेंसेस का एक को कहता हुआ कौन से हेड पे कितना हुआ समझने का, एक हर जमात मुतवली उनका हक है कि क्या है। तो मेरे ख्याल से मैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिले आज तक 31 लाख रुपीस कोर्ट खर्चे के लिए इन्होंने खर्च करें,
ये जरा तुम्हें वहाँ मेहनत करको, वहाँ क्रिमिनल केस में बच्चे हमारे अंदर हैं, उनसे सीनियर काउंसिल अपॉइंट करके तुम्हें करते रहे, तो हमारा तकरार कुछ न था। 4-5 लाख रुपए खर्च करके देखो, हमारे सर क्या कम से कम एडवाइस लेना था, वो तो नहीं ले, वो लेना भी नहीं चाहते, तुम्हारे मनमानी कर रहे हैं, वो बच्चे अंदर अंदर जेल में मर रहे हैं, कौन कुछ नहीं आ उनके बारे में, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जब तक आवाज़ उठाते नहीं तब तक ये नहीं होता। अगर हमें भी चुप बैठे, देख को सुन को भी चुप बैठे, तो वो भी गुनाह है। आवाज़ उठाने के लिए क्या करना सर? आवाज़ उठाने के लिए क्या है ना, आवाज़ उठना टोटल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाओ, तुम्हारे पूरे अकाउंट सामने रखो, हमारे सामने पूरे तुम्हारे अकाउंट रखो। 6-8 महीने से है जने टीचर्स की पेमेंट सैलरी नहीं हुई, वहाँ पैसा देने नहीं आए, या 30-35 लाख रुपए कोर्ट को खर्चे पैसा है। आज हमें सब जने नहीं मिले, मैं इंडस्ट्री साहब से भी अपील करता हूँ, मेरा किसके साथ क्या ये नहीं है, अच्छे काम के लिए करेंगे। मैं मेरा स्टैंड में मैं क्लियर कराया, मैं 8 बरस वाइस प्रेसिडेंट रहकर मैं ये इस इंस्टीट्यूशन को मैं सर्विस दूँ, मुझे क्या ये इंस्टीट्यूशन में नेक्स्ट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करना क्या जरूरी नहीं है। जब हालात एक कंट्रोल से जास्ते आंजुमन के जा रहे हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हमें भी आवाज़ उठाना। ये जो इलेक्शन के बारे में बोले ग्रुप्स, मैं सबको अपील करता हूँ, वक्त ख़राब है, अंजुमन का बहुत डेलिकेट स्टेज में है, अगर हमें कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप्स नहीं ले, हो सकता है हमारी अंजुमन बैंक्रप्सी में जाती, दिवाला उड़ाती, लॉक पड़ने के चांसेस हैं। एक स्टेट वर्क बोर्ड आपको लॉक डालेंगे, हमारे 24 इंस्टीट्यूशन आ जाएं, एक बच्चा छोटा है कभी LKG UKG से ऊपर PG MA करे होते, हमारे का पद क्लाई है, टेक्निकल कोर्सेस है। ये जो इदारे ये सब तरक्की का भी है, ये 2008 जो हमें थे अंदेड़ी साहब हमें सब थे तो तरक्की हुए, तो आज इसके आज एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना गिर गया कि वो कौन देखने वाला भी नहीं, कौन करने वाला भी नहीं है। हरेक वो आजकल अगर स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं मिला बच्चों को, तो उन्होंने दूसरे स्कूल को दूसरे कॉलेज को जाते हैं, हमारे का नहीं क्या आना। उन्होंने आज सब टीचर्स पे बस हो गए इनके तरफ से, आज हमें नेहरू कॉलेज होंगे, हाई स्कूल्स होंगे, टीचर्स भी आज इनके तरफ से है। गुंडागिरी हॉस्पिटल में देखे, वहाँ देखो मैं बोलना नहीं चाहता हॉस्पिटल की हालत आज क्या है। देखो जब मैं 8 बरस रहा, तो मैं तो सियासी कौन से पार्टी से कनेक्शन भी रखता नहीं, मैं सियासत से दूर हूँ। आठ बरस करने के बाद मेरा फर्ज होता है कि दूसरों को भी एक चांस देना, इसलिए मैं ये करा। तो ये आज मुहिम जो चला रहे हैं, हमें सबको गदक्कर साहब होंदे हमें होंदे सबको बोल रहे हैं, ये मैं उनको घरां को जा बोला चलो उठो क्या भी करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं है तो ये कौन तो ठहरंद है। पोस्ट कुर्सी का इम्पोर्टेंस नहीं है, कभी हमें आप पहले से जो 2008 तक हमें जो रहे, हमारे पास जो प्रेसिडेंट पोस्ट का जब गदक्कर साहब ठहरने का जो डिसाइड हुआ था, वो ऑफर मजे आया था तुम्हें ठहरो कर को, वही नहीं गदक्कर साहब के घर को जाकर बुला लाया, गदक्कर साहब तुम प्रेसिडेंट हो मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो कभी भी हमें इस कुर्सी के अवस्था या मुझे बड़ा पोस्ट होना कभी हमारे पास ये नहीं था, और जरूरत भी नहीं है, हमें खिदमत करना निकल जाना। ये सब लोग हमारे से दूर क्यों, मेरे से दूर क्यों होते हैं, ना मैं खाता ना खिलाता, मैं ना खाता ना खिलाने देता। ये जो जरे जना कड़वी लगती है, बाहर जाकर पिक पॉकेट करो, तुम्हें अंजुमन में आए बरोबर सीधा हाथ धो को सैनिटाइज हाथ धो को आओ, चाय पीना रहे तो भी तुम्हारे पैसे से पीना, ये मेरा प्रिंसिपल उसूल रहते। मैं 8 बरस रहे तक मिसलेनियस एक्सपेंसेस अंजुमन को डालना वो डालना नो पूछो यहाँ है शफी मुद्दे बड़ा। जब आप हम आते तब एक पैसा पैसा जमा के बराबर अकाउंट रहता था,
आज के जो बैलेंस शीट अगर तुम्हें काटे अंजुमन का, कॉलेजेस, हाई स्कूल्स, आईटीआई, बीसीए, बीबीए, ये सब इंस्टीट्यूशन जो आया है, इसका टोटल और ये हमारे शादी माल का हुआ, अंजुमन कॉम्प्लेक्स का हुआ, तो एजुकेशन अकेडमिक ईयर कब होता है, बैलेंस शीट जब काटते हैं तो मैं मार्च अप्रैल में तुम्हें बैलेंस शीट काटे, टोटल इनका जो जो कलेक्शन जमा होता है, मेरे ख्याल से आज मैं तब देखता था तो एक यह था, आज मैं बोले हूँ ये बात, पूरा खर्चा कार्ड को अप्रैल में कम से कम हमारे पास 1.5 करोड़ रुपए बैलेंस बैंक बैलेंस होगा, इतना 1.5 करोड़, आज वहाँ देखिए तो हालत ख़राब है। ये जो विड्रॉल अमाउंट अंजुमन का होंगे, कॉलेजेस को होंगे, हाई स्कूल को, उसके अंदर है ना, सैंक्शन ऑर्डर है ना, क्या नहीं हो, चुप कौन से पैसे काट लेने का, यहाँ जाने का, सुप्रीम कोर्ट खर्च करने का, हाई कोर्ट में खर्च करने का, ऐसा ये सब उनके अपने सेल्फिश है, अपने अपने कुर्सी बचाने के लिए है, ये कोर्ट के इतने खर्चा कर कोई कर रहे हैं। समर साहब वक्त बोर्ड वाले आए, उन्होंने तुमने पहले वोटर्स लिस्ट दो गए, एक महीने में इलेक्शन करते हैं, दे उनको चार्ज क्या है, वैसा क्या पकड़ लेके बैठे तुम्हें, क्या डर है तुम ना, तुम्हारा अकाउंट ऑडिट करते हैं को डर है, ऑडिट करना ही पड़ता है, वह उसे फोन भी उनको आने के बाद ये फर्स्ट ड्यूटी अकाउंट्स ऑडिट करना, अगर उसके अंदर मिस ऑपरेशन मिस मैनेजमेंट हुआ इतना हुआ तो फर्स्ट ड्यूटी क्रिमिनल केस फाइल करो। मैं कभी बोल रहा हूँ छोड़ दो, आज भी मैं अपील करता हूँ, अरे भाई छोड़ दो, क्या तुम्हारा पर्सनल इंटरेस्ट है, क्या पर्सनल इंटरेस्ट है, क्या ये के एस आर टी का स्क्रैप समझे, क्या रेलवे का स्क्रैप समझे अंजुमन, अरे खिदमत करे सर को, होता है तो इलेक्शन लड़ो, अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो जरूर आप चुनको आते हैं, क्यों तो आप अंजुमन के इलेक्शन फेस करने कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को जा रहे हैं, ये क्या एक महीने में इलेक्शन होता है, सुप्रीम कोर्ट बोला एक महीना 1.5 महीने में इलेक्शन करो, तो इलेक्शन होता है, अगर तुम अच्छा काम करे तो मैं चुनको आते हैं, वही यू आर अवॉइडिंग पोस्टपोनिंग इट बिकॉज उनकी दुखती रग मेरे ख्याल से जो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑडिट होने वाला, आज कैसा छोड़ सकते हैं, बोलो मैं एक इंसान मैं चाहया इतने करोड़ लूट कराया गया तुझे मुझे ऐसा फ्री छोड़े, तो ये सिलसिला कंटिन्यू होता है, ये अच्छा है या काम है, अच्छा है जरा कमाते करके हर अकला था क्या साहब, ऐसे भाई भाई मैं उनको पाँव पड़ता हूँ, मैं यहाँ तक बोलती हूँ बच्चे के मामले में, भाई पाँव पड़ को बोलता हूँ बा चलो, मैं ये सौरव साहब का आज एक बात बोलना चाहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख को हमारा एक सेशन मैटर चल रहा है, हमारा क्रिमिनल क्या सीनियर मोस्ट क्रिमिनल लॉयर्स दो जन का अपॉइंट कर रहे हैं, मैं बैठे बैठे हैं मेरे जूनियर्स वहाँ कंट्रोल कर रहे हैं, क्या मैं हमारे बच्चे के लिए आया कुछ कोशिश नहीं करता था, मुझे नहीं लेना चाहते हैं, मुझे दूर रखना चाहते हैं, ये बदनसीबी है, ये इनका अंदर का सब बाहर आता है करके बोल को मुझे दूर रख रहे हैं, आज भी मेरा तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी नहीं है सुनो साहब, क्या लेना देना है, मुझे लेना देना है तो अंजुमन के बारे में है, मुझे लेना देना रहे तो हमारे बच्चे जो अंदर हैं 7-8 महीने से अंदर तकलीफ़ में है, बहुत तकलीफ़ है उनको, तो उनके लिए मेरा दिल तड़प रहा है, चलो सब जने मिलेंगे, मैं इंडस्ट्रगिरी साहब को भी अपील कर दूँगा, उन्होंने कैसा है इनको सजेशन दिया तो हूँ हाँ अगर को बोल के जाते हैं, तुमने मालूम है तुम्हें बहुत बार इंटरव्यू लिए उनके, हाँ जो है वो हाँ करने का जाने का, ये छोड़ो ये सब बच्चे के जो न जेल में उनके खंधे पर से बंदूक मारने का छोड़ छोड़ो, चलो साहब बद्दुआ लगती है तुमना, बद्दुआ लगती है, वो बच्चे तरस रहे हैं, मुझे क्या तकलीफ है मुझे मालूम है, मैं इससे पहले बहुत कुछ लोगों को छुड़ाएं 307 रंधे छुड़ाएं, वो क्रेडिट लेना या मेरे इससे बोल रहा नहीं, बस एक हमदर्दी है, मैं क्या भी वकील रहूँगा, मैं सीनियर एडवोकेट रहूँगा,
मुझे भी जो है मैं भी दुआ लेना है, अवाम से हमारे लोगों से कितनी अंजुमन खिदमत करके दुआ लेना है, सिर्फ मेरा मकसद होता है। चलो आज भी मैं अपील करता हूँ सब मुसलमानों को, सब ये लीडर्स को अपील करता हूँ, कुछ ना कुछ करेंगे बच्चों को बेल के अवसर। जो ईदगाह मैदान में जो गणेश चतुर्थी के दिन गणेश चतुर्थी पेंडोल वाले कॉरपोरेशन वाले परमिशन दें उसके खिलाफ हूँ। ये एक दिन है जिन्हें ये जो हमारे सोनू साहब कोर्ट को आए थे, ये जो वकील हमारे कहते कि वो उसे केस लड़ने को अवसर नाक है, नाम खराब होता है यहाँ मेरे पास है, मजबूर हो गए। मैं बोला मैं कहाँ लकाया मैं करता हूँ भाई, क्रिमिनल केस फाइल करें मैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में, इसे कमिश्नर उबेदा रोड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो हमारे जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स हैं हमारे मुसलमानों के, तुम्हें गणेश चतुर्थी का या पंडाल परमिशन देखो, हमारे रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट कर रहे तुम्हें, तुम्हें दूसरा कहीं को पब्लिक पर्पस के वस्त्र दो, पार्किंग है वो सी वो फ्रूट बेचने वाले हैं तो उनको दो, हमारे क्या तकरार नहीं है, हमारे तुम्हें ऐसे रिलीजियस फंक्शंस को दूसरों को देखे तो हमारे जो रिलीजियस सेंटीमेंट्स है उसे धक्का कर रहे हैं। मैं इसलिए वो कौन नहीं करतू कर बोला तो मैं सामने ठेर को मैं आर्ग्यूमेंट करो 28-29 तारीख को ऑर्डर्स को है वो, मैं कभी किसे डरता नहीं, मुझे क्या लेकर मैं जवाब देना अल्लाह को, ये वकीलों को ये जजों को मैं डरने वाला नहीं है, मैं तो 45 ईयर्स सर्विस भी मेरे यहाँ कोर्ट में, मैं वो तब ऐसे करे। आज मैं इसलिए बोलता हूँ सोनू साहब, स्टेट वर्क बोर्ड में इन्फ्लुएंस लगाने की कोशिश मत करो, स्टेट वर्क बोर्ड में बीजेपी के लीडर करने से फ़ोन करना बंद करो, इसके ऊपर एक्शन नको लियो करके बोल प्रेशर डाल रहे हैं स्टेट वर्क बोर्ड पर तुम्हें, ये गलत है, ये सब छोड़ो, ये बीजेपी लीडर सब मुझे बहुत अच्छे तरह पहचाने, मैं बाद में इन्हों ऐसा करते रहे ये बीजेपी के लीडर से कर वो इन्हों हमारे अंजुमन में इंटरफेयर लगे तो मैं सीधा उनके घर को जाकर बोलता हूँ इंटरफेयर आग बढ़े रहे तरह से रहमान इंटरफेयर आग बढ़े, मैं बोलता हूँ वो भी सोच रहा हूँ मैं जाकर मिलना घर को, मैं ये भी सोचता हूँ इंडस्ट्री साहब को, उनके भी इंडस्ट्री साहब को मिलना चाहता हूँ, उनकी भी खिदमत अंजुमन में बहुत है, उन्होंने भी अपने टेन्यूअर में जो करें ये टाइप मिस अप्रोप्रिएशन मिस मैनेजमेंट नहीं हुआ, हमें कभी बोले भी नहीं है जब अपोजिशन रहे तब भी। ईदगाह का आगे मसला है जो हमारी बदनसीब है कि सुप्रीम कोर्ट में ये कॉरपोरेशन प्रॉपर्टी है करके बिल्कुल जजमेंट हुआ, तो हमारे अपील जो है कॉरपोरेशन से है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर, ये रिलीजियस फंक्शंस के लिए गणेश चतुर्थी वे सवेरे होली का ये रहता है बाद में वो ये फंक्शन, ये टीपू सुल्तान जयंती जो जो मनाने को तो अर्जी दे, ये जो अर्जी दे ये कौन दे, ये MIM के उनके लीडर जो है क्या है उनके SC के हैं उन्होंने कौन है उंड्राल, उन्होंने MLA सीट के एस्पिरेंट है सिटी के, तो उन्होंने हमने ये जो टीपू सुल्तान जयंती वहाँ कर को हमने खुश करना चाहते हैं, वैसी खुशी हमने जरूरत नहीं है उंड्राल साहब, उनको भी वार्न देता हूँ ये सब छोड़ो, ये MIM के लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, 7 जीव अंदर कस्टडी में है, 159 जो अक्यूज हैं आरोपी हैं उसके अंदर 7 जने हैं सो MIM के लोग हैं। अब रिसेंट परसों 18-19 तारीख को MIM के सेपरेट बेल पिटीशन फाइल करने की कोशिश करे स्पेशल कोर्ट में, मालूम है तो वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रीवियस उनके वकील अंकनेशी लाभ हाजिर करो तब तक बेल पिटीशन नहीं लेता कर दो, MIM के लोगों से मेरा अपील है, क्यों भाई वो 7 जने तुम्हारे उत्तेश क्या लोग अभी बाकी के 2 लोग नहीं है, इलेक्शन टहरते तुम्हें सब लोगों के वोट पूछते हैं हमारे कौम के तो भाई बाकी के जनों के बारे में क्यों नहीं सोचे तुम्हें, NO से क्यों लेना, उन्होंने भी कोशिश कर सकते थे ना पूरे जनों की तरफ से,
नहीं नहीं देते नहीं, तुम्हें जेल को जाओ, जेलर का नीचे परमिशन ले को वकालत ले सकते। भाई एक एक क्वेश्चन, क्या 7 जने है उतर तुम्हें बेल पिटिशन फाइल करेंगे, वो भी गलत है। सब मिला के करना भाई, उनके 7 जने उन्हों करे, बाद में मेरे खानदान के हैं, मैं 7 जने करतू कर बोले तो क्या मतलब क्या है। मैं एमसी पे मैं अपील करता हूँ, ये सब सियासत करना छोड़ दो। अंजुमन का मामला है, हमारे बच्चे वहाँ एक 7 महीने 6 महीने सोचो 6-7 महीने जेल में, वो भी कहाँ, बड़ारी में जरे हैं, मैसूर में जरे हैं, गुलबर्गा में जरे हैं। हाँ समझो, तकलीफ समझो ऐसे हालात में। हाँ उनको ठंड इतनी है, ठंड का ठंड काला, अब रात का नींद नहीं आ रही उनको। हमारे से एक इंसान है, एक हमारे लोग, एक 20-30 कंबल देख पे हूँ। पैसा का कुछ नहीं है इनका, तुम्हारे अंजुमन का एक पैसा न को पैसा हमें खर्च करते हैं। वैसे अच्छे लोग हैं, डोनेट करने वाले अच्छे कॉज को सर। तो इसलिए ओवरऑल मैं मेरा ये कहिए है, ये सब सियासत, गंदी सियासत बंद करो भाई। सवनूर साहब को एक ही बोलता हूँ, तुम्हें लीगल एक्सपेंसेस खर्च कितने करें, पब्लिक को ये करो बाहर कार्ड को करेक्ट बोलो, मोर देन 30-31 लाख रुपीज खर्च हुए कर को बोल को उनके लोग मजाक बोले सो देख लो। नहीं सोनल साहब, कॉलेज के 9 पोस्ट गौर सैंक्शनड पोस्ट यूजीसी स्केल के गवर्नमेंट सैलरी के पोस्ट रिटायर्ड वो खाली हुए, अपॉइंटमेंट करने पूछें। फाइनेंस डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस डिपार्टमेंट अप्रूवल नहीं दिया अभी, वो पेंडिंग है। मैं सुने सर का उनके लोग बोले सो हाँ मुझे 4-5 जने का नहीं थी, 50-50 लाख 40-40 लाख रुपए ले वह, और नहीं कर को उन्हें बोले कर तो वो लोग पकड़ लाख सामने ठहरा करते, तो 2 करोड़ से जास्ती पैसा तुम्हें कलेक्ट करे उनका क्या नहीं। आगे तुम ना जो नौकरी देते हैं वो यूजीसी स्केल की नौकरी, परमानेंट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी करो बोले वाह, तो वो जो 2-2.5 करोड़ रुपए वो कलेक्ट करे, कहाँ है वो पैसे, कहाँ है। मुझे उनके लोग बोले सो, मैं पूछा उनको कहाँ है पैसे, नहीं नहीं सब सैलरी दे खत्म हो। हाँ देखो ऐसा अगर ये टाइप चलते रहा, नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, नहीं है तो तुम्हारे से जो मीडिया है, मीडिया के सामने बाजू पट्टा 1-1 में बात करने तैयार है, डिबेट करो। मुझे क्या झूठ बोल को, मुझे पहले कुर्सी की जरूरत ही नहीं है, मैं मुझे अंजुमन क्या आता चाहिए, अंजुमन तरक्की होना, अंजुमन का स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है, अंजुमन के फाइनेंशियल कंडीशन वर्स्ट पर वर्स्ट जा रहे हैं। पैसा अंधाधुंध वहाँ से विड्रॉ हो रहा है, आज उनको बैलेंस शीट उनको बोलो रिलीज करो, अवाम के सामने जमा दंग भेजो, तुम्हारे बैलेंस शीट रिलीज करो, ये ब्रश की तुम्हारे कितने खर्च हुए, कितना पैसा तुम्हारे कने बैलेंस शीट के अंदर है दिखाओ। ये देखो जो ली पैसा वो उनके कनेश 50% ली करके बोलते हैं उन्हों, वो पैसा लेना रहा तो डोनेशन अंजुमन अकाउंट में डायरेक्ट नहीं डाल सकते, मैं मानता हूँ सब चीज़ों, मगर जब वो पैसा लेके मैं सैलरी पेमेंट करे 2-2.5 करोड़ रुपए सैलरी का कब करे, तो मैं कब लाए उनके कनेश पैसे, कब ले क्या करे, ये इन्वेस्टिगेशन होना के लिए तुम्हें बोलो। ये सब चीज़ अगर इन्वेस्टिगेशन हो को टोटल ये ऑडिट रिपोर्ट आ गया, दूध का दूध पानी का पानी होता है, और कौन भी अगर उसके अंदर मिस अप ऑपरेशन करे, मैं चैलेंज देता हूँ भाई, मैं क्रिमिनल केस है और रिकवरी पिटिशन फाइल करके उनके घर जब्त करा कर पैसा वसूल करेंगे।
अगर ये सिलसिला जारी रहा, आगे आइस वाला उन्हें भी लूट ले गया, उसके बाद उन्हें आया उन्हें भी लूट ले गया, तो एक ये क्या होता है, आज इसे छोड़े तो सवेरे उन्हें वॉच करते। सो इसकी जरूरी है, मैं हमें भी 8 बरस सत्य है, हमें भी ये अंजुमन में 8 बरस सत्य है। दिखा चैलेंज देता हूँ उनको, आज भी मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, किसके गादी कब चाय भी नहीं पी, किसके आदि कब चाय भी नहीं पे, चैलेंज देता हूँ मैं, दिखाओगे ना। गरीबों को बहुत हेल्प कर रहे हैं, मैं गरीब मीडियम क्लास जो है वो अंजुमन के हकदार हैं, उनके उनके फीस है, अगर वो बहुत गरीब है तो उनके फीस जरूर रिड्यूस कर, कम करके उनके एडमिशन दिलाएं। गरीबों के अवसर हमें 8 बरस में क्या करें अल्लाह जानता हो, और प्यार मोहब्बत का सिलसिला हमारे पास है, हमें रट्टे चढ़ाने वाले नहीं, रट्टे चढ़ाने वाले हमारे पास आते भी कह कर तो हमें नहीं लेते। अरे अंजुमन में जाकर रट्टे चढ़ाने कह गया साहब, समझो सब बात, मैं जो बोल रहा हूँ मैं क्लियर सब नहीं बोलता, समझो ये सब चीज़ें क्या है, इसे लोग लगा कर सब लूटा मारी रखो करो, अंजुमन है आज इसके बाद अल्लाह का मार अगर बैठता इसके बाद ये जो है अंजुमन का होने मस्जिद का ऐसा कौन करे, अल्लाह का मार ऐसा बैठता है उन्हें पानी भी नहीं मांगता। आज मैं चैलेंजिंग लिए प्राउडली बोलता हूँ, मैं 8 बरस सर्विस कराया, नेक स्थिति से सर्विस करे हैं मैं, और हमारा अल्लाह हमारा देता है, हमारा प्रोटेक्शन करता है करके हमारा एक कॉन्फिडेंस भी है, और अल्लाह से यह मांगते हैं हमारे अंजुमन को से ये हालत से सुधार हो, ये लोगों को यहाँ से बाहर काढ़ को अच्छे लोगों को चार रखो ये करो। सर माँ बाप इंतजार में बच्चे कब आने के इसमें है, देखो ये सब चीज़ है कैसा है, अगर तुम्हें बेल पिटीशन 2-2.5 महीने चार्जशीट फाइल हुए के बाद तुम्हें इमीडिएटली बेल पिटीशन फाइल करना। बेल क्यों हो रही है सर इसमें, देरी क्यों हो रही है करने को? ये उनको कुछ नहीं, उन्होंने नहीं है तुम्हारे पास पैसे करके आ नहीं रहे तो देखो मैं बोलता हूँ ये तुम्हें क्या बोले स्टेटमेंट सोनू साहब, जब तक बच्चे रिहा ही नहीं होते तब तक मैं अंजुमन का चार्ज नहीं देता, अंजुमन का इलेक्शन नहीं करता, तो क्या मतलब करना है इसके अंदर हमें, तो बच्चा को अंदर रखे तो मेरी कुर्सी घट होती कर समझता, ये सिंपल सिंपल बात है। अरे तुम्हारा टेन्यूअर तुम्हारा पीरियड हुआ वो वक्फ बोर्ड वाले इलेक्शन करना कहते हैं, उन्होंने कितने दिन रख लेंगे, महीना डेढ़ महीना रहा उन्होंने करते पूरा इलेक्शन करके कौन आया उसे हैंड ओवर करके जाते हैं। अतः जो मैं वक्फ बोर्ड से रिक्वेस्ट है तुम्हारे मॉडल मॉडल बायलॉज यहाँ नका कर थोकू नको, हमारे जो बायलॉज हैं 20-25 बरस पहले तुम्हें स्टेट वक्फ बोर्ड वाले अप्रूवल करें, तो हमारे बायलॉज को टच ना करते हुए इलेक्शन करो जल्दी करो। अगर उन्हें इलेक्शन करना रहा स्टेट वर्क बोर्ड वाले ऑर्डर में क्या है वो अंजुमन वक्फ इंस्टीट्यूशन के खर्चा अंजुमन वक्फ इंस्टीट्यूशन ले देना, जब तक वक्फ बोर्ड वाले चार्ज नहीं लेते तब तक ये इलेक्शन कर नहीं सकते, ये लोग तो उनको रिकॉर्ड्स नहीं देते नहीं दे रहे, और मैं यहाँ चार्ज लेने के लिए दे रहे नहीं, नहीं दे रहे हैं, उन्होंने नाट को जा रहे हैं कि उन्होंने आ रहे हैं तो कीली डालते हैं क्या है सब उसके अंदर वैसा हुआ, उन्होंने वक्फ बोर्ड वाले उनका डर है, नहीं नहीं वक्फ बोर्ड वाले से उनको भी डर है, उन्होंने भी बोले ऑडिट हमें पहला ऑडिट कराते बोले उन्होंने क्या फर्स्ट ऑडिट, उन्होंने भी सीरियस है, 1-2 लाख का मामला रहा तो बात अलग होती थी, यहाँ मामला करोड़ों का है। अरे भाई तुम साफ है, तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा अकाउंट साफ है सोनू साहब, चलो इलेक्शन कर छोड़ो और आवाम के सामने दिखाओ तुम्हारा बैलेंस शीट, जाओ तुम्हें अच्छा काम करे तुम्हें चुन करते हैं, इलेक्शन से की डर है। देखो बच्चों के रिहाई के लिए जल्द से जल्द काम करना मेरा, ये अंजुमन का इलेक्शन छोड़ो तुम्हें बच्चे बाहर आना, बट ये कंडीशन रखो जब तक बच्चे नहीं आते मैं नहीं चार्ज देता, मैं अंजुमन के इलेक्शन नहीं करता करके बोल को बच्चों को अंदर रखो तुम्हें गद्दी पर बैठे तो गलत होता नहीं है। सो आई एम रेडी।
मेरा अपील, मैं अपील करता हूँ सब मुसलमानों से, जमातों से कि होशियार हो। चलो आज के माहौल में अगर हम सब एक नहीं हुए, बाई चांस हमारा बैलेंस चुक गया, तो इसके बाद अंजुमन का नेक्स्ट इलेक्शन होता है डाउट है। मैं ये स्पीच में मेट्रोपोलिस होटल में बोला था। देखो हालत ऐसी है, हमें देखें, मैं भी स्टेट वर्क बोर्ड मेंबर था 1983 to 88, स्टेट वर्क बोर्ड मेंबर था मैं। हुबली के कौन से भी एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने नहीं दिया, किसे भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने नहीं दिया। तो तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटर इन्हों अपॉइंट करना चाह रहे हैं तो ठीक है, इलेक्शन के अवसर करो, ओल्ड बायलॉज के तहत इलेक्शन करो। अगर नवे हमारे बच्चे और मेंबरशिप बनना चाहते हैं एडिशनल, तो उनको ओपन करो एक महीने को अवसर। क्या एक दो तीन महीने इलेक्शन देर हुआ तो कुछ नहीं होने वाला, बट चार दिन सोनूर साहब स्टेट वर्क बोर्ड को चार उन्होंने ऑडिट करते हैं अकाउंट, तुम्हारा अकाउंट ऑडिट होने वाला है, उन्होंने नहीं करे तो हमें तो करने वाले, ये हमें छोड़ने वाले तो नहीं। कि ये करोड़ों का मामला है, अपराध अपरी जो भी करोड़ों को भी नहीं आए। सोनू साहब आओ, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे ना तो आओ सामने, हिसाब तुम्हारा हिसाब किताब लेता है, हमारा हिसाब किताब ले कर चलो एक बार, क्या होता है। अवाम के लिए आपका आखिरी पैगाम क्या होगा? अवाम के लिए सब जुड़ो, हमारे कुछ नाइंतफाक है सब बिछड़ो, अच्छे को असर करेंगे, अंजुमन बचाएंगे। मेरा अपील एक ही है, अंजुमन बचाओ। मैं सेव अंजुमन करके भी एक मैच डालू, सेव अंजुमन ये हमारे कौम का इदारा है, ना मेरा इदारा है, ना सोनूर साहब का है, किसका है। खिदमत करो चले जाओ, आगे अल्लाह के बंदे दूसरे आते हैं, नेक बंदे आते हैं, हमारे से अच्छे भी होंगे तो उन्होंने करते हैं तरक्की होंगे। मैं इंडस्ट्री साहब से भी अपील करता हूँ, उनको भी मिलता हूँ, हर तबके के लोगों को मैं मिल रहा हूँ, और इसी में भाई प्रेस के सामने नहीं आया, मैं अंदर से हिड़ंग काम करके सबको मिला रहा हूँ। आओ तुम्हें आओ तुम्हें आओ, अब सबके साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं, जो इलेक्शन में अपोज करे अपोन आए, ये क्या ये उन्हें भी मेरा भविष्य, इन्हें भी मेरा भविष्य, वाह वाह गया ये डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है, दुश्मनी करने का किसके साथ नहीं है। तो इसलिए मैं मेरी अपील है, सवर्ण साहब से फर्स्ट अपील है, फर्स्ट चार्ज जो इलेक्शन होंगे मगर मैं साथ ओल्ड बायलॉज के तहत होना, कहाँ तो तुम्हें जमात के मुतवली जमात के मेंबर्स को कार्ड को तुम्हें इलेक्शन करते करो, मेरा अपोज है, गलत चीज़ है ये सब। स्टेट वर्क बोर्ड से अपील है, रियाज खान साहब से अपील करता हूँ मैं, उन्होंने स्टेट बोर्ड काउंसिल वक्त बार काउंसिल से चुनका है एडवोकेट्स वोटर से, मतलब उनको अपील करता हूँ, ये सब लीगल कॉम्प्लिकेशन करके कोर्ट कट्टे बहुत तो आगे जाते हैं, अल्लाह के वास्ते वोट बॉयलर्स के तहत इलेक्शन करो, कैसा अंजुमन धारवाड़ के करें वैसा।